फोटोग्राफ। तस्वीरें हमें उन पलों को कैद करने देती हैं जिन्हें हम हमेशा याद रखना चाहते हैं, पर अगर कभी यही तस्वीरें जिन्हें हम संभाल कर रखते हैं हमारे लिए एक श्राप बन जाएं तो? डैन अपने स्कूल की बास्केटबॉल टीम में था। कहने को तो वो टीम का हिस्सा था, पर वो अपना ज्यादातर टाइम सब्स्टिट्यूट बनकर बेंच पर ही बिताता था। उसका टीम में होना ना होना एकदम बराबर था। डैन के अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी, इसलिए हर कोई उसका मजाक उड़ाता रहता। डैन को बुरा तो लगता था, पर उसके अंदर किसी का भी सामना करने की हिम्मत नहीं थी। एक दिन स्कूल में बास्केटबॉल टीम की ऑफिशियल फोटोग्राफ लेने एक फोटोग्राफर ने सबकी फोटोज खींची। अगले दिन टीम के कोच ने सभी को उनकी फोटोज का एनवेलप दिया, पर जैसे ही डैन ने अपना एनवेलप खोला तो वो चौंक गया। टीम फोटोग्राफ में जहां वो बैठा था वो जगह ही खाली थी। डैन को यह बात बहुत अजीब लगी। वो स्कूल के बाद सीधा उस फोटोग्राफर के स्टूडियो चला गया। वहां जाकर उसने जैसे ही उस फोटोग्राफर को अपनी खाली फोटो दिखाई तो वो फोटोग्राफर भी फोटो देखकर काफी कंफ्यूज्ड हो गया। डैन उस फोटोग्राफर से उसकी एक और फोटो लेने के लिए जिद करने लगा। फोटोग्राफर बहुत बिजी था, इसलिए उसने डैन को मना कर दिया। पर उस फोटोग्राफर ने जमीन से कपड़ा हटाया और एक सेफ खोलकर उसमें से एक बहुत ही पुराना एंटीक कैमरा निकालकर डैन के हाथ में थमा दिया। उस कैमरा को देखकर डैन बहुत खुश हुआ। एक फोटोग्राफ के बदले में एक एंटीक कैमरा। डैन उस फोटोग्राफर को शुक्रिया कर वहां से चला गया। घर में घुसते ही डैन कैमरा को अपनी तरफ कर उसका लेंस साफ करने लगा और तभी अचानक से कैमरे से एक फोटो खींची। लाइट फ्लैश होते ही इंस्टेंटली उस कैमरा में से एक फोटो बाहर आया। उस फोटो में एक लड़के की टी शर्ट थी जो कंधे से फटी हुई थी। डैन को लगा कि शायद वो कोई पुरानी फोटो होगी। कुछ देर बाद डैन जब अपने कमरे में जा रहा था तभी दरवाजे से निकली हुई एक कील से खिंचकर उसकी टी शर्ट कंधे से फट गई। जो फोटो उस कैमरा से निकली थी डैन ने उसे वापस देखा और वो दंग रह गया। उस फोटोग्राफ में कोई और नहीं बल्कि डैन खुद ही था। इतने में ही अचानक से डैन की बहन घर वापस आ गई। डैन से अचानक से कैमरे का क्लिक बटन दब गया और घर में पड़े एक बांस की फोटो खिंच गई। कुछ ही सेकंड्स बाद डैन की बहन के बैग से टकराकर वो वास नीचे गिरकर टूट गया। और डैन ने जब कैमरे से निकली फोटोग्राफ देखी तो उस फोटो में जमीन पर वही वास टूटा हुआ पड़ा था। डैन बहुत ज्यादा डर गया और उसने उस कैमरे को अपनी अलमारी में लॉक करके रख दिया। अगले दिन सुबह नॉर्मल दिन की तरह वो अपने स्कूल के बास्केटबॉल कोर्ट के चेंजिंग रूम में कपड़े चेंज कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपना लॉकर खोला उसके होश उड़ गए। उस लॉकर में उसे वही कैमरा दिखाई दिया। उसे समझ नहीं आया कि वो वहां कैसे पहुंचा, पर उसी वक्त वहां उसकी टीम का एक मेंबर जेम्स आ गया। जेम्स एक बहुत बड़ा बुली था और डैन को हमेशा से परेशान करता आया था। उसने आते ही डैन के कपड़े उठा लिए और उन्हें इधर उधर फेंकने लगा। डैन को बहुत गुस्सा आने लगा। उसने वो कैमरा बाहर निकाला और जेम्स की एक फोटो खींची। कैमरे का फ्लैश इतनी तेज था कि जेम्स की आंखें बंद ही हो गईं और डैन अपने कपड़े उठाकर वहां से भाग गया। उसी दिन स्कूल से खबर आई कि जेम्स प्रैक्टिस के बाद अपने कपड़े बदल रहा था कि तभी चेंजिंग रूम का एक बड़ा सा लॉकर अचानक से जेम्स पर गिर गया और उसकी टांग टूट गई। डैन ने जब उसके कैमरे से खींची फोटो देखी तो उसमें जेम्स एक अलमारी के नीचे पड़ा था। वो फोटो देखकर डैन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। डैन को अब एक अलग सी ताकत महसूस होने लगी थी। उस कैमरे से वो किसी के साथ भी बुरा कर सकता था। अगर कोई भी उसका मजाक उड़ाता तो वो सिर्फ कैमरे के क्लिक से अपना बदला ले सकता था। पर डैन की ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली थी। एक दिन डैन अपने कमरे में बैठा उस कैमरे को करीब से देख रहा था। उसकी छोटी बहन उसके पास आकर बैठ गई।
डैन ने अपनी बहन को उस कैमरे के बारे में बताया। उसने बताया कि वो एक मैजिक कैमरा है और जिस किसी चीज या इंसान की डैन उस कैमरे से फोटो लेता है, उस चीज या इंसान के साथ कुछ बुरा हो जाता है। ये सुनते ही डैन की बहन जोर जोर से हंसने लगी। वो डैन और उस कैमरे का मजाक उड़ाने लगी। तभी उस कैमरे का फ्लैश चला और उस कैमरे ने मानो अपने आप डैन की बहन की फोटो खींच दी। डैन ने उस फोटो को देखा और दौड़ता हुआ अपनी बहन के पास गया और धक्का मार कर उसे साइड कर दिया। डैन की बहन गुस्से में चीखी, पर अगले ही पल छत पर लगा शैंडलियर ठीक वहीं गिरा जहां पर डैन की बहन खड़ी थी। डैन ने उसे वो फोटोग्राफ दिखाई तो उसकी बहन के होश उड़ गए। उस फोटोग्राफ में वो जमीन पर गिरी हुई थी और उसके ऊपर वही शैंडलियर था। अब सिचुएशन डैन के कंट्रोल से बाहर हो रही थी। उसने डिसाइड किया कि वो उस कैमरे को उसी फोटोग्राफर को वापस कराएगा। जब डैन उस फोटोग्राफर के स्टूडियो पहुंचा तो उसने जो देखा उस पर उसे यकीन ही नहीं हुआ। उस स्टूडियो का माहौल ही बदल चुका था। अंदर कमर्शियल शूट चल रहे थे और वही फोटोग्राफर जो पहले पुराने से कपड़े पहनता था, अब उसने एक बहुत ही महंगा सूट पहना हुआ था। डैन उसके पास गया पर उसे देखते ही उस फोटोग्राफर ने उसे इग्नोर कर दिया। डैन ने उसका हाथ पकड़कर उससे उस कैमरे के बारे में पूछा तो वो फोटोग्राफर उसे कोने में ले गया और उससे कहने लगा, पिछले 10 साल से उस मनहूस कैमरे ने मुझे बुरी किस्मत के अलावा कुछ नहीं दिया। जैसे ही वो गया, देखो मेरी किस्मत कैसे चमक गई। वो कैमरा मैंने तुम्हें नहीं दिया, उस कैमरे ने तुम्हें चुना है। डैन को कुछ समझ नहीं आया। उस फोटोग्राफर ने फिर से उसे बताया कि उस कैमरे से खींची गई हर फोटोग्राफ पर एक निशान है। वो निशान एक डेविल का है। उसने कहा कि वो कैमरा किसी को भी ताकत तो देता है, पर उसकी कीमत उस इंसान को अपनी किस्मत से चुकानी पड़ती है। इतना कहकर वो फोटोग्राफर वहां से दूर चला गया। डैन उस फोटोग्राफर की बातों से सहम चुका था और अपनी डरी सहमी हालत में घर लौट रहा था। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने देखा कि उसके पेरेंट्स घर से बाहर निकल रहे हैं और तभी वो कैमरा जो डैन के हाथों में था, उसने उन दोनों की फोटो अपने आप खींच ली। डैन के पेरेंट्स मूवी जाने के लिए लेट हो रहे थे, इसलिए वो सीधा गाड़ी में बैठकर निकल गए। डैन ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की पर वो दोनों काफी दूर जा चुके थे। डैन घबराहट में घर में घुसा और उसने अपनी बहन को सब कुछ बताया। तभी उस कैमरे से एक फोटो बाहर निकली और उस फोटो के अंदर डैन के पेरेंट्स की कार सड़क पर उल्टी पड़ी थी। इसका मतलब था कि डैन के पेरेंट्स का एक्सीडेंट होने वाला था। डैन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने उन्हें कॉल करने की भी कोशिश की पर उसका फोन नहीं मिला। डैन ने उस कैमरा को घर से बाहर लाकर एक बैट से तोड़ दिया, पर फिर जैसे ही वो दोनों अंदर आए, वो कैमरा ठीक उनके कमरे के बीचों बीच पड़ा था। डैन और उसकी बहन की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। उन्हें जल्द से जल्द कुछ करना था, नहीं तो उनके पेरेंट्स की जान खतरे में थी। तभी डैन को एक आइडिया आया। उसने अपनी बहन से एक बड़ा सा मिरर लाने को कहा और उस कैमरे को एक मिरर के सामने रखकर सोफे के पीछे से एक स्टिक की मदद से कैमरे का बटन दबाया। फोटो खींचते ही उस कैमरे में एक अजीब सी आवाज आने लगी और देखते ही देखते उस कैमरे में आग लग गई। ऐसा लग रहा था कि उस कैमरे के अंदर जो भी था वो भी साथ जल रहा था। कुछ ही मिनट बाद डैन का फोन बजा। फोन पर उसके डैड थे, जिन्होंने उसे बताया कि वो दोनों अभी बाल बाल एक एक्सीडेंट से बचे। ये सुनकर डैन और उसकी बहन की जान में जान आई। वो खुशी से एक दूसरे के गले मिले और अपने रूम में चले गए। उन्हें लगा कि वो कैमरे की मुसीबत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई है, पर वो दोनों ये नहीं जानते थे कि जिस मिरर के सामने उन्होंने उस कैमरे को रखा था, अब उसी मिरर के कोने में वही निशान बना था जो हर एक फोटो में था, वही डेविल का निशान। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी
तो हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।